हमेशा से राष्ट्रभक्ति हर हिंदुस्तानी में होनी बहुत आवश्यक है। हम चाहे एंटरटेनमेंट में रहें, चाहे अपनी नौकरीशुदा ज़िंदगी जीते रहें, चाहे रोजगार में जीते रहें, लेकिन हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि होना ही चाहिए। धरती पे अगर आए हैं, एक लाइन थी, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। सिर्फ हम क्या करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। बट इस देश के लिए इस मिट्टी का जो कर्ज होता है वो हम कब उतारते हैं? क्या हम ये इंतज़ार करें कि हमें वापस से गुलाम बनाया जाए तो फिर हम भगत सिंह से प्रेरणा लेके वही कार्य करने जाएं? तो जय हिंद अभियान जब इन्होंने शुरू किया और इन्होंने कहा कि उन लोगों को जिन्होंने 22-23 साल की उम्र में 50 से ज़्यादा दिन का उपवास किया, चंद्रशेखर आज़ाद जो अखंड हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते थे, जिनके अपने परिवार में उनके बाद कोई नहीं बचा, काकोरी कांड जैसा उन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटा ताकि क्रांतिकारियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी वो निभा सकें, उनके बम गोला बारूद की जिम्मेदारी वो निभा सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें। उनकी अपनी माँ चंद्रशेखर आज़ाद के जीवित रहते हुए आखिरी के 5 से 10 साल जो गेहूँ होता है, गेहूँ का आटा पीस कर बिताई है, जिनके लड़के से पूरा ब्रिटिश अंपायर कांपता था। आज की वैल्यूएशन का करोड़ों इनाम उन पर रखा गया था, जिंदा या मुर्दा। और जब उस व्यक्ति को अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया, 80 से ज़्यादा पुलिस वाले थे जिन्होंने घेरा, उसमें से बहुत हमारे हिंदुस्तानी भी थे जो कि नौकरी कर रहे थे ब्रिटिश सरकार की, 100 से ज़्यादा लोगों को ब्रिटिश एम्पायर ने सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी को पहचानने के लिए सरकारी नौकरी दी थी, जिसको सिर्फ ये लगता था कि कहीं ना कहीं आज़ाद जी को शायद जानता हो, क्योंकि आज़ाद जी को कोई कभी जानता ही नहीं था, वो एक परछाई थे। कई दफ़े आज़ाद जी से खुद पुलिस वालों ने पूछा है, आज़ाद जी को देखे हो क्या? और वो मुस्कुरा के कह पड़ते थे, नहीं यार, बस नाम सुने हैं। तो उनसे लोग कांपा करते थे। और जब एक बार किसी कांड में इकट्ठा किया गया पैसा, उनके एक मित्र ने निकालने की कोशिश की, जिनको पता था उनकी माँ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपकी माता जी को मोतियाबिंद हो गया है, वो देख नहीं पाती, लकड़ी बेचने जंगल में जाती हैं, वापस लौटते हुए गिर पड़ती हैं, कभी बिकता है कभी नहीं बिकता, तो एक कुछ पैसे इसमें से 150 रुपये आप दे दीजिए ताकि अपनी बाकी की ज़िंदगी वो निकाल सके। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि मैंने जब घर छोड़ा था असहयोग आंदोलन के बाद, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को अपनी माँ समझ के घर छोड़ा था। आज अगर इस क्रांतिकारी गतिविधियों से इकट्ठा किए गए पैसे से मैं अपना परिवार पालने लग गया, तो जितने बाकी के क्रांतिकारी भाई हैं सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ याद आएंगी। तो आप मेरी माँ से जाके कह दो कि अगर धरती पर जीना मुश्किल लग रहा हो तो मैं उन्हें एक बुलेट दान में दे सकता हूँ, रिवॉल्वर की एक गोली दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा उनका लड़का उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस समय वो शहीद हुए, पूरे हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए, उस समय उनकी उम्र थी 25 साल, मात्र 25 साल। आज के 25 साल के लड़कों को आप उनसे कंपेयर कर लीजिए। तो जय हिंद अभियान का मकसद भी यही है ना, कि इनके बारे में लोगों को पता। तो राष्ट्रभक्ति वो होती है कि इंसान अपने प्राणों से ज़्यादा किसी को क्या दे सकता है। इन्होंने अपने प्राण दिए और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें भारत रत्न जैसा सम्मान दे। भारत रत्न स्वयं सम्मानित महसूस करेगा ऐसे नामों के साथ जुड़ के। और कितना भी हो, राष्ट्रभक्ति में जब हम जाते हैं तो हमें धर्म को पीछे ही रखना होता है, क्योंकि धार्मिक उन्माद जब हम फैलाते हैं तो राष्ट्रभक्ति बीच में आती है। इतने भी बड़े हम धार्मिक हो जाएं, अगर राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण नहीं है तो वो धार्मिक भावना भी किसी काम की नहीं है। 4 लाइन मुझे याद आ रहा है, मैं उसके साथ अपने शब्द खत्म करता हूँ कि बिना मौसम हृदय कोकिल का भी कूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता, और विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तो विभीषण का ना कोई नाम रखता है अपने बच्चों का और ना उनकी पूजा होती है, इसलिए राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि। जय हिंद।